शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। दिग्रस तहसील में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 23 तक पहुंच गया है, जिसमें दिग्रस शहर में 20 मरीज पाए गए, वही अन्य 3 ग्रामीण इलाकों से है। इस खबर से शहर की जनता सकते में है। दिनों दिन बढ़ रहे कोरोना मरीजों के मद्देनजर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने शहरवासियों और ग्रामीणों से कोरोना से बचाव के लिए अपील कर खुद को सुरक्षित रखने का आग्रह किया। दिग्रस शहर और तहसील के ग्रामीण परिसर में कोरोना का फैलाव तेज रफ्तार इख्तियार कर चुका है। कल जहां कोरोना एक्टिव पॉजिटिव की तादाद 12 थी, वहां बढ़कर 23 हो चुकी है। इस खबर ने दिग्रस वासियों की चिंता बढ़ा दी है। गौरतलब है कि बुधवार को कोरोना पॉजिटिव मरीजों के कुल 11 नए मामले सामने आए हैं, जो कि गंगानगर नामक एक ही इलाके से है। ऐसे में लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के मद्देनजर स्थानीय प्रशासन ने संबंधित इलाकों को सील करते हुए गंगानगर को कंटेनमेंट एरिया में तब्दील कर दिया। दिनों दिन बढ़ते कोरोना मरीजों के आंकड़ों से जनता खौफ में है। इस विकट घड़ी में जनता के दिल से डर को दूर करने और लोगों से सुरक्षित रहकर खुद का और अपने परिवार का ख्याल रखने की अपील स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने की है। नगर पालिका के वरिष्ठ सदस्य नूर मोहम्मद खान ने जनता से अपील करते हुए सरकार और प्रशासन की सूचनाओं का पालन करने का आग्रह किया। तमाम दिग्रस वासियों को यह आह्वान करना चाहता हूँ, दूरी बना के रहिए, मास्क लगा के रहिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए और गवर्नमेंट का जितना हो सके उतना सहयोग कीजिए, और काम रहा तो ही घर के बाहर निकलिए, नहीं तो वरना घर के बाहर निकलना जरूरी नहीं है। मालूम हो कि बीते सोमवार को दिग्रस में चेंबर ऑफ कॉमर्स और व्यापार संगठन की अगुवाई में नागरिकों की स्वेच्छा से दिग्रस बंद की घोषणा के बाद सारा शहर बंद है। ऐसे में बढ़ते कोरोना के मरीजों के आंकड़ों से दिग्रस शहरवासी काफी चिंतित है। इस संदर्भ में नगर पालिका उपाध्यक्ष अजिंक्य म्हात्रे ने जनता से एहतियात लेने और सुरक्षित रहने का आग्रह किया। जगामध्ये ज्याप्रमाणे कोरोना पसरत आहे, त्याचप्रमाणे भारतामध्ये सुद्धा कोरोनाचा प्रादुर्भाव हा वाढत चाललेला आहे आणि त्यामुळे आपल्याला सतर्क होण्याची आता खरी आवश्यकता आहे। जेही शासनाने आपल्याला नियम दिलेले आहेत, त्या नियमाचं तंतोतंत पालन आपण सर्वांनी करावं आणि जे काही नियम आपल्याला दिलेले आहेत, जसे की सॅनिटायझरचा वापर करा, मास्क लावा, विनाकारण घराच्या बाहेर निघू नका, गर्दी टाळा, तर हे असे नियम जर आपण पाळले तर नक्कीच आपण कोरोनावर मात करू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। स्थानीय प्रशासन ने अपने स्तर पर हर संभव तरीके से शहर को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए तत्परता दिखा रहा है। अब जनता को इस महामारी के संक्रमण से बचने के लिए WHO द्वारा निर्देशित सूचनाओं का पालन कर स्थानीय प्रशासन को सहयोग करना जरूरी है। इस बारे में स्थानीय नगर सेवक सैयद अकरम ने जनता से सुरक्षित रहने की गुजारिश की। डिग्रस के नागरिकों से गुजारिश करूंगा कि आज डिग्रस शहर में और तालुके में कुल मिलाकर 23 कोरोना पेशेंट पाए गए हैं, जिसमें से 20 पेशेंट डिग्रस शहर में है। तो मैं उन तमाम डिग्रस शहर के नागरिकों से गुजारिश करता हूं कि बगैर काम के कोई घर के बाहर न निकले और प्रशासन को सपोर्ट करें, सहकार्य करें। एनी टाइम जब घर से आप किसी काम की बदौलत निकले तो मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का एहतराम करें और अपने घर वालों का ख्याल रखते हुए कोरोना से लड़ने के लिए हमारे प्रशासन का सहयोग करें। बढ़ते कोरोना मरीजों के आंकड़े निश्चित ही परेशानी का सबब जरूर है, पर जनता अगर पूरी तरह प्रशासन को सहयोग करे, सुरक्षित और सतर्क रहकर हर जरूरी सूचनाओं का पालन करे, तो कोरोना से जारी इस जंग को यकीनन जीता जा सकता है। इन BCN न्यूज के लिए जुबैर खान की रिपोर्ट।